दोस्तों ये है रोशनाई दरवाज़ा जो कि बंद है क्योंकि इसकी मरम्मत की जा रही है और काफ़ी प्यारा है। ये सेम शाही किला के दरवाज़ा की तरह ही है लेकिन ये जो है फ़िलहाल बंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बादशाही मस्जिद के बाहर वाली साइड है और जो है इस साइड पे है जो शाही किला। शाही किला और बादशाही मस्जिद एक दूसरे के आमने सामने हैं लेकिन जो है बादशाही मस्जिद के मेन गेट के सामने जो है इसका शाही किले का भी गेट है लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से बंद। तो ये देखें जी हम पहुंच चुके हैं बादशाही मस्जिद के मेन गेट के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए कम है। ये तो कैमरा है, कैमरे में आपको पता है कैमरा जितना भी अच्छा हो लेकिन कैमरा कैमरा होता है। एक जो है इंसानी आँख का व्यू कमाल का। मैं जितना ज़्यादा सुकून फील कर रहा हूँ मेरे ख्याल से आप भी कर रहे होंगे और मेरी बातों की वजह से। वैसे तो मोबाइल में देखने के बाद इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ये इस साइड पे अलामा इकबाल की कब्र है, अलामा इकबाल की कब्र की तरफ चलते हैं वहाँ पे दुआ कर। ये हमारे गायज डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, उनका ये मज़ार है, ये मज़ार का अहाता है, ये सामने उनकी कब्र है। तो डॉक्टर साहब की कब्र पे फातिहा करने के बाद अब हम चलते हैं। ये बादशाही मस्जिद के बाहर का मंजर दिखाते हैं, इनके चारों साइड से दिखाते हैं। यहाँ पे रेंजर्स वाले खड़े हैं। तो अब हम चलते हैं बादशाही मस्जिद के अंदर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, ऊंचाई है, ऊंचाई से ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ियों की मदद से और काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई है क्योंकि इससे पहले शाही किले गया हूँ, शाही किले को कंप्लीट विज़िट किया है। मेन उसका गेट है। यहाँ पे जूता उतारेंगे। ये अंदर आ गया हूँ।
इस साइड से मेन गेट से, और ये जो है ये देख लें इसके नॉर्थ, और ये वेस्ट साइड यानी कि काबा की तरफ है ये, और ये जो है इसका जनूब है, और ये जो है इसका मशरिक। तो मशरिक से लेके जनूब, और जनूब से लेके मगरिब, और मगरिब से लेके आपको शुमाल की तरफ का व्यू करवाता हूँ। तो चलते हैं पहले इस साइड पे, ईस्ट जानिब इस मशरिक की तरफ, और इस साइड पे ही इंडिया भी है पाकिस्तान के, और ये जो व्यू आ रहा है वो चेक करें शाही किले का। तो ये जो है अंदर जाके देखते हैं क्या है, बाहर से ऐसे लग रहा है जैसे वज़ू खाना हो। जी बिल्कुल, ये वज़ू खाना है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने से पहले इंशाल्लाह वज़ू करेंगे। चलते हैं बाहर वाली साइड पे, ये इसका सहन है, और इसमें मेरे ख़्याल से मैंने सर्च तो नहीं किया, अलबत्ता मैं सर्च करके आपको बता दूंगा कि कितने लोग एट अ टाइम नमाज़ पढ़ सकते हैं इस मस्जिद में। इसका जो पत्थर है वो भी इसकी दीवारों की तरह है, रेड कलर का, और फुल रेड नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा गुलाबी टाइप है। और ये इसका एक मीनार है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। इसके चार बड़े मीनार हैं, और छोटे जो हैं चार छोटे मीनार हैं, और मिड में दो मीनार हैं, ठीक है, उसकी अक्सर साइड पे भी दो, और जो गुंबद है इसके तीन गुंबद हैं। तो ये जी इसकी जनूबी साइड है, और जनूबी साइड पे जो है मुख्तलिफ सामान वगैरह रखा हुआ है अंदर की तरफ, एक व्यू अच्छा सा दे रहा है। और यहाँ पे विंडो वगैरह नहीं है इस साइड पे, लेकिन जो शुमाली साइड है वहाँ पे विंडो है। तो चलें चलते हैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसी है माशाल्लाह बादशाही मस्जिद। और ये जी सीढ़ियाँ, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे पत्थर से बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है जी हमारी, हम मुसलमानों की, हम पाकिस्तानियों की मस्जिद। तो ये देखें कितना प्यारा है व्यू, चेक करें फानूस लगा हुआ है। ये जो है दीवारें ये पत्थर की बनी हुई हैं, सामने कुरान पाक है ऊपर पड़ा हुआ। तो ये छत चेक करें कितनी उम्दा बनी हुई है, यहाँ से मेन गेट का व्यू, और ये मीनार नज़र आ रहा है, वो मीनार की बैक साइड पे जो है वो गुरुद्वारा है। और ये जो है चेक करें यार, काफ़ी ऊंची छत है इसकी, और तकरीबन भी कोई 50-60 फीट होगी ऊपर। ये बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है, यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और सारा जो है पत्थर के अंदर किया गया है। ये इसका मिंबर की तरफ चलते हैं। ये जी इसका अंदर से व्यू है, ये सफ़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। और टाइम जो है जहर का वो 1:30 बजे का है, और अभी टाइम हो गया है 11:39। और इस साइड पे ये जो गैलरी है, गैलरी दिखाता हूँ आपको, ये गैलरी है, ये इजाफी चीज़ें वगैरह रखने के लिए। तो ये बादशाही मस्जिद का सहन है, हवा चल रही है, मौसम प्यारा हो गया। बादशाही मस्जिद के अंदर आया हूँ तो यकीन जानो थकावट ख़त्म हो गई है, थक गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शाही किला को विज़िट किया है कंप्लीट, और ये फिर बादशाही मस्जिद। इंशाल्लाह फ्रेश हो जाऊंगा। ये इसका मगरबी और शुमाली, ये जी गैलरी है शुमाली साइड की, यहाँ से ये व्यू है, ये मीनार, ये सामने गैलरी है, और सीधी बिल्कुल मेरे ख़्याल से यहाँ पे इंचेस का भी फ़र्क नहीं है कि
कोई थोड़ा सा इधर हो और उधर हो, बिल्कुल स्ट्रेट है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखें ये विंडो और सामने है मीनारे पाकिस्तान। यहाँ से शिमाली साइड की गैलरी जो है एंड हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बादशाही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं दाता साहब जाऊंगा, वहां पे हाज़िरी दूंगा। तो एक मेरा ख्वाब था कि बादशाही मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया और यहां पे नमाज़ पढ़ी। और बाकी इंशाल्लाह एक और विश है, ख्वाहिश है कि मस्जिद नबवी में भी नमाज़ पढ़ूँ। तो आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह पाक मौका दे वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने का, यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। होप्स हो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।